नवी मुंबई महापे के अड़वली भुतवली गांव के आदिवासियों को उनका सरकारी आवास मिल गया है। टीवी वन इंडिया के खबर के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका ने यहां बनाए गए 21 घरों का आवंटन कर दिया है। स्थानीय विधायक गणेश नायक ने आज इन घरों की चाबियां आदिवासियों को प्रदान किया। मॉनसून से पहले अपना घर मिलने पर आदिवासी भी खुश नजर आए। देखिए रिपोर्ट। टीवी वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। अब वो कोरोना के वजह से कुछ बहुत प्रॉब्लम ही हुआ, लेकिन लेट बहुत हो गया कि जल्दी देना चाहिए था, बहुत कुछ लेट हो गया। आदिवासियों को महानगर पालिका ने सौंपा घर। विधायक गणेश नाइक के हाथों सौंपी गई चाबियां। अब बारिश में आदिवासी नहीं झेलेंगे मुसीबत। जी हाँ, टीवी वन इंडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए नई मुंबई महानगर पालिका ने महापे के अड़ौली भुतौली गांव के आदिवासियों को उनका घर आवंटित कर दिया है। यहाँ आदिवासियों के लिए 21 घर बनाए गए थे जिसके आवंटन का इंतजार था। 40 दिनों पहले टीवी वन इंडिया ने यहाँ की हालत दिखाते हुए घरों के शीघ्र आवंटन की अपील की थी। आज बीजेपी विधायक गणेश नाई की उपस्थिति में अड़ौली भुतौली के 21 आदिवासियों को उनके घरों की चाबियां सौंप दी गई। आज इथल्या वारलीपाड्यामध्ये 21 घटकांना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून जे 21 घरं वाटप केली गेली, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अतिशय म्हणजे स्वर्गात आल्यासारखं त्यांना वाटत होतं। आज घरकुलाचं वाटप झालं, गावाची खून ठेवणाऱ्या गावच्या प्रवेशद्वाराचं जनतेला समर्पण झालं। अन्न वस्त्र निवारे माणसाची गरज आहे। नवी मुंबईमध्ये हे असे आदिवासी पाडे जवळजवळ म्हणजे 8-9 ठिकाणी आहेत आणि त्या सर्वच आदिवासी पाड्यांचा विकास होऊन त्यांना सगळ्यांनाच चांगली घरं मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहतो। बताना जरूरी है की नवी मुंबई का अड़ौली भुतौली गांव वारली आदिवासियों का सबसे बड़ा इलाका है। खस्ता हालत में जी रहे इन आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर महानगर पालिका ने नया मकान बना कर दिया है। फिलहाल मानसून से पहले अपना आशियाना पाकर आदिवासियों के चेहरे खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।